कारकुनान और एमएनए पर काटी गई। दूसरी एफआईआर वो है जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है और उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि ये इस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर नहीं काटी जा सकती। ये दो सवाल हैं। जहाँ तक वज़ीर का जिसका आपने मेंशन किया है, मैं तो इसका बयान सुनता नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि जो गटर की बातें हैं उनको गटर में ही रहना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा बयान है, दूसरा सवाल है, सिंध हाउस पे जो हमला हुआ वो वफाक पे हमला था, एक तसलसल का एक सिलसिला के तसलसल है। उसका पहला फेज पे हमला हुआ पार्लियामान लॉजेस पे, पार्लियामान पे, दूसरा हमला हुआ सिंध हाउस पे और वफाक पे। हम समझते हैं जो दहशतगर्दी का कानून है वो बड़े वाजे हैं कि जब हुकूमत के इस किस्म के अदारे से, इस किस्म के अंदाज से इन पे हमले होते हैं तो ये दहशतगर्दी के अंदर आते हैं। और हम आपकी हद तक हम अदालत में भी इसका पीछा करेंगे कि दहशतगर्दी का केस उन लोगों पे कट किया जाए। ये एक हर सुबह का इस्लामाबाद में पंजाब हाउस भी है, पख्तूनख्वा हाउस भी है, सारे सारे हाउसेस भी है, वहाँ एमएनएज रह सकते हैं, कमरे ले सकते हैं। सिंध हाउस में चीफ जस्टिस भी था, एमएनएज का ख़ानदान भी था, उनका शायद ख़ानदान भी होगा। तो ये एक बहुत संगीन हमला है जिस पे एक सख्त रद्द अमल सामने आना जरूरी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।